क्या आप जानते हैं पहला बेबी फॉर्मूला नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया था, या फिर आपके स्मार्टफोन के लिए इतना छोटा कैमरा किसने बनाया? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको ऐसी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। हम आज उन टेक्नोलॉजीज का जिक्र करेंगे जो सीधे स्पेस से आई है। इन सभी टेक्नोलॉजीज की खोज का श्रेय कोल्ड वॉर में नासा एवं रशियन स्पेस एजेंसी को जाता है, जिन्होंने उस समय अपने स्पेस प्रोग्राम को आधुनिक बनाने में ऐसे ऐसे उपकरणों की खोज की जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। बेबी फॉर्मूला। 1980 के दशक में नासा एल्गे के ऊपर शोध कर रहा था ताकि वो रिसाइकलिंग एजेंट बना सके जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल में उसके काम आ सके। लेकिन साइंटिस्ट एक नए फॉर्मूला विकसित करने में कामयाब हो गए जो बच्चों के मानसिक एवं आंखों के विकास के लिए उपयोगी साबित हुआ। यह फॉर्मूला दो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ था जिसे डोकोसा हेक्सोनिक एसिड DHA एवं अराकोडोनिक एसिड ARA कहा जाता है। यह दोनों फैटी एसिड ह्यूमन मिल्क में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के शोध ने यह सिद्ध किया है कि यह फैटी एसिड बच्चों के दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और इंसानी रेटिना को भी डेवलप करते हैं। चूंकि DHA और ARA हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसे हमें बाहरी खुराक से लेना पड़ता है। आज यह बच्चों के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। नासा के साइंटिस्ट एरिक फोसम ने एक व्यापक रिसर्च किया। उन्होंने कैमरे की साइज को छोटा करने में अहम योगदान दिया। वर्षों के अनुसंधान के बाद एरिक फोसम ने कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इमेज सेंसर की खोज की, लेकिन इसमें कई खामियां थी। इससे ली गई तस्वीरों में सिग्नल नॉइज आ जाती। बाद में उन्होंने CMOS एक्टिव पिक्सल की इजाद चार्ज कपल डिवाइस का प्रयोग कर किया जो रॉकेट के बाहरी हिस्सों पर लगाई जाती ताकि वह रॉकेट के बाहरी हिस्सों पर नजर रख सके। बाद में इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक करने के बाद इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। इस तकनीक का इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन एवं अन्य छोटे बड़े कैमरों में होता है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम अपने दिन की शुरुआत GPS के बिना नहीं कर सकते, चाहे आप पैदल चल रहे हों या फिर किसी वाहन से। यह हमें किसी भी जगह पहुंचा सकती है। गूगल मैप के माध्यम से हम किसी भी अनजान जगह पर जा सकते हैं। स्पेस ब्लैंकेट। इस नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। यह भी नासा द्वारा विकसित किया गया है। यह बेहद ही पतली प्लास्टिक शीट से बना है जो हीट रिफ्लेक्टर का काम करती है। इसका इस्तेमाल नासा ने पहली बार अपने उपकरणों को स्पेस में सूर्य के रेडिएशन से बचाने के लिए किया। इसका निर्माण 1964 में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में किया गया। यह मेटलाइज पोलीइथेन टेराप्लेट यानी MPET से बना है। यह 97% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है। कभी कभी उपकरणों के ऊपर पोलाअमाइड की कोटिंग की जाती है जो MPET से कई गुना ज्यादा किफायती है। स्क्रेच रेजिस्टेंस लेंसेज। इसे नासा के AMES रिसर्च सेंटर और फ्रोस्टर ग्रांट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया। 1972 में नासा ने अपने कई स्पेसक्राफ्ट्स में स्क्रेच रेजिस्टेंस सरफेस एवं एस्ट्रोनॉट के हेलमेट को बनाया था, लेकिन 1983 में नासा ने फ्रोस्टर ग्रांट कॉर्पोरेशन को इसका लाइसेंस दे दिया ताकि इसका और विकास हो सके। आज सनग्लासेस, सेफ्टी लेंसेज और आपके चश्मे सब स्क्रेच रेजिस्टेंस प्लास्टिक की देन है जो सीधे स्पेस से आया है। रनिंग शूज। एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट रबर मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। इंजीनियरों को ज्यादा समय नहीं लगा यह सोचने में इसके माध्यम से हम जूते भी बना सकते हैं। इस टेक्निक से आगे चलकर शॉक एब्जॉर्बिंग जूते बनाए जाने लगे जो काफी आरामदायक और सस्ते थे। जैसे जैसे हमने अपने जीवन में प्रगति की, वैसे वैसे हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार किया जिसने हमारे जीवन को आरामदायक बनाया। इसने हमारी पूरी टेक्नोलॉजीज का आधुनिकीकरण किया। स्पेसक्राफ्ट एवं रॉकेट ने हमारे यात्रा करने के तरीका ही बदल कर रख दिया। अब तो हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी कोई कोरी कल्पना नहीं लगती। जब भी आप अपने आसपास की चीजों को देखें तो याद करें यह कभी स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। उम्मीद है आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इसमें टैग जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।